किसी ने कुछ सवालात किए कि मैं समझता हूँ अच्छे सवालात है, जवाब दे भी देता हूँ। रमज़ान में बहुत सारे लोग IRC और आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप सिर्फ रमज़ान में सुनते हैं, हम तो साल भर और रोज़ सुनते हैं, आप सिर्फ रमज़ान में सुनते हैं। बहरहाल तो पहला उन्होंने कहा कि IRC वालों को इसराइल से पैसा आता है। ये इतना पुराना इल्ज़ाम हो गया कि हम खुद अब ढूंढ कब पैसा देंगे हमको और वो कमाएंगे अकाउंट में। मतलब उम्मीदें जाग गई हम लोगों की भी कमाने वाला है, इतने दिन से लोग बोल रहे हैं। जनरली जब हम छोटे थे तो मैंने ये देखा कि उमूमन पहले एक ही जमात का, मेरे यहाँ कोई जमात का काम नहीं था, एक ही किस्म के मसलक के लोग रहा करते थे। फिर उसके बाद एक जमात आई, पहली जमाती शक्ल में कोई आए तो तबलीग जमात आई, तो तब हमने देखा कि वो सारे इल्ज़ाम जो उन पर लगे, जैसा कि जब बोलते थे वो इनको इसराइल से पैसा आ रहा, इनको फ्रांस से पैसा आ रहा, इनको अमेरिका से पैसा आ रहा, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट कोई दूसरी जमात आई, मतलब एक जमात थी, फिर एक एक्टिविटी बढ़ी थी, बोले अब इनको आ रहा। फिर उसके बाद एक जमात आई तो बोले अब इनको आ रहा। फिर IRC आए तो इनको आ रहा, अब हमारे पास किसी और को आएंगे, मतलब वो चलते रहेंगे सिलसिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसराइल से जब आता तो वो एजेंट कौन है जिसको ये सब मालूम कि हम तक ला के पहुँचाता है कहाँ? जैसे बैंक में आता तो वो कौन सा एजेंट है जो हमको पैसा लाता है और हमारे पास डालता है, या फिर हम दोनों भाई है, उसको भी आता है हमको भी आता है, तो दो भाइयों को मालूम रहता है ना कहाँ से क्या आता है। मतलब मसला क्या है? ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं जो हर दौर में लोग दूसरों पे लगाते हैं। जितने दुश्मनान इस्लाम हैं उनसे रिलेट कर दो आपको तो आप उन जैसे हो जाते हैं। ये सब बकवास है, इसी को हकीकत नहीं है, तो वो साबित करें। दूसरी चीज़ ये कि IRC के पास फॉरेन फंडिंग लेने का सिस्टम ही नहीं है और इसराइल इंडिया में नहीं है। हमको ऑफिशियली किसी भी फॉरेन कंट्री से पैसे लेने की परमिशन नहीं है, तो हम लोग तो सिर्फ इंडियन या NRIs जो इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं उनसे लेते हैं। तो याद रखिए इसराइल से पैसा आना ये मुमकिनात नहीं। हाँ भाई, आप लोगों के पास जिनके पास सर्टिफिकेट है फॉरेन फंड्स का, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किस किस के पास है, वो लोग ज़रा अपनी तहकीक करें कि आपको तो नहीं आ रहा इसराइल से पैसा, हमको तो नहीं आता, चूँकि हमको तो परमिशन भी नहीं गवर्नमेंट से कि हम फॉरेन फंड्स ले सकें। दूसरा और के ज़कात के पैसे से RC वाले स्टेज वगैरह में लगा देते हैं। इसकी वजाहत भी कर देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें हैं। वो ये है कि जब आप किसी को अपनी ज़कात दे देते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए ज़कात नहीं होती है, वो ज़कात के उसमें से निकल गया। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी थी, ठीक है, उनको किसी ने गोश्त दिया था सदक़े में, और नबी और आले रसूल पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर औलाद पर सदक़ा ज़कात ये सब हराम है, सिवाय तोहफे की वो कुछ नहीं ले सकते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ खा लिया, तो मैं आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल सदक़ा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ा उसके लिए था गुलाम जिसको दिया गया, मेरे लिए नहीं, चूँकि वो गुलाम ने लेकर आप सबको दिया था। तो वहाँ क्या हुआ, ज़कात वो सदक़ा लिया गया, लेने के बाद ये गुलाम औरत मालिक बन गई। अब ये किसी को तोहफे में दे तो सदक़ा नहीं बचता है, वो समझ रहा। तो पहला तो ये, लेकिन वजाहत भी ज़रूरी है, वो ये है कि IRC अपने किसी भी प्रोग्राम में स्टेज वगैरह के लिए ज़कात का फ़ंड यूज़ करते ही नहीं है। रमज़ान कॉन्फ्रेंस का अलग फ़ंड होता है जिसमें लोग हमको देते हैं। और एक बात और वाजे कर दूँ, स्टेज के लिए हम कभी पैसा खर्च ही नहीं करते। ये तो आप दूर की बात है कि रमज़ान कॉन्फ्रेंस को फ़ंड हम स्टेज के लिए पैसे ही नहीं खर्च करते, समझे, हम पैसे ही नहीं खर्च करते। हालांकि बहुत सारे लोग हमको मना करते हैं लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं इसलिए बैन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस हॉल में कॉन्फ्रेंस होती है उस हॉल वालों ने आज तक हमसे एक रुपया नहीं लिया। जिस स्टेज पर हम प्रोग्राम आज तक किए वो नीचे का स्टेज एक अलग साथ डालते, उन्होंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। जिस स्टेज पर आप डेकोरेशन देखते हैं उस डेकोरेशन के लिए हमने एक रुपया आज तक खर्च नहीं किया। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री मिलती है। अखराजात जो हमको आते हैं, माइक सिस्टम, लाइटिंग, अंजुमन का जो सामान, शेड वगैरह आप देखते हैं ना, वो सब हमको रेंट पे लेना पड़ता है, वरना हॉल, स्टेज और उसका कभी हमने खर्चा नहीं किया। तो आपकी ज़कात क्या कुछ भी नहीं गया आपका? आप दूर ज़कात की बात करें, हम बोल रहे ना कुछ भी नहीं गया, ना IRC का गया, ना किसी और का गया, ना ज़कात गया, ना गैर ज़कात गया। ये तो हम दावे से बोल रहे हैं, गैर ज़कात भी नहीं गया आपका। मतलब ये भी नहीं कि फंड लेके बस स्टेज पे क्यों डाले, वो भी नहीं गया आपका, समझ रहे बात। अब थोड़ी और वजाहत कर देता, हर बार आप पीछे के बैनर भी चेंज करते रहते, इसको बड़ा खर्चा आता होगा। तो आप इसका अगर खर्चा सुनेंगे और हम कैसा मैनेज करते आप भी हंसेंगे। ये बैनर्स 80-100 रुपये के कपड़े रहते हो जो कट पीस मिलते हैं, हर बार इसलिए चेंज कर देते हैं हम। कट पीस 2 लाए और उसको लगा दिया तो 200 से 250 रुपये का पीछे का बैकग्राउंड बना, 2 से 3 प्रोग्राम में यूज़ हुआ, उसके बाद किसी को सदका कर देते हैं, कोई गरीब को दे देते हैं, वो अपना टेबल क्लॉथ बनाए या घर का पर्दा बनाए दे देते हैं उठाकर। तो ये एक्सपेंस हार्डली हम करते हैं,
300 के रेंज में होता है संडे को जो होता है, और ये कई दिनों तक मैच करता है, इससे उससे उससे ढेर लग जाता है, पूरी अलमारियाँ भरी हुई होती हैं। उसके बाद जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसको हम किसी गरीब को सदका कर देते हैं, तो ये भी कोई एक्सपेंस नहीं होता है ना, वहाँ हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं। तो एक्सपेंस जैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हमने किया ही नहीं, तो अब बहरहाल मैं क्या वजात करूँ, वो फ्री मिलता है, देने वाले दे रहे, अल्लाह उनको अजर देंगे इंशाल्लाह उसका, तो हमने कोई खर्च नहीं किया। लेकिन अब होता क्या है, अब भाई मेरा वलीमा था, मेरे भाई का वलीमा था, बहन का, बहन की शादी थी, तो वो स्टेज लगाते ना, वो बोलता 25,000 की एक खलम आएंगी बीच की, 25,000 की दूसरी, तो अब IRC के स्टेज पे 4 लगी बची, बोलता है 1,00,000 के तो आंसर ये लगा हुआ है, मतलब ऐसा शादी से कंपेयर करता है ना, हॉल कितने मिला था अपने को, ये 25,000 रुपये से उन्होंने दिए थे, तो अब 10 दिन बोलते 2,50,000, अरे नहीं भाई वो फ्री है, समझिए अब बात। स्टेज पे अपने लगाए थे ना एक दिन अपने बाजी की शादी में, भैया की शादी में, कितना खर्चा था 1,00,000, IRC को 1,00,000 नहीं, रुपया भी नहीं आता, वो बेचारे लाते हैं। सिर्फ IRC जो उस पर खर्च करती है, वो भी आपको बता देता हूँ, कभी उसका कलर अगर ख़राब रहा ना तो हम लोग तैयार रहते हैं, हाँ बस कलर रहते थे, हम लोग उस पर कलर मार देते थे, वो जो चीज़ें बैकग्राउंड में लगाते सिल्वर गोल्ड कलर सब मार देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में पर्दे होते हैं कभी राइट लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए, वो पर्दे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जिनका स्टेज है ना वही चेंज करते हैं, हमको नहीं चाहिए, बोलते हम करके दे दें, लाइट हम सिर्फ कलर का टचअप करते हैं। तो कलर का टचअप मतलब 50 से 100 या 200 रुपये खर्चा हम स्टेज पर करते हैं, अगर ये भी ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ ऐसा, तो फिर आपका जो कपड़े पहने आदमी पूछा इतने महंगे क्यों पहने, घड़ी जो बने इतनी महंगी, तो ये तो फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेज पे ना आपका ज़कात लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, ना आपका गैर ज़कात लगता है, ये बात आप जहन में रख लें। तीसरा उन्होंने कहा, रमज़ान कॉन्फ्रेंस में औरतों को क्यों बुलाया जाता है। अगर मैं ये बात कहूँ कि रमज़ान कॉन्फ्रेंस नहीं, रमज़ान या गैर रमज़ान औरतें बाजार क्यों जाती हैं, पार्क्स में और गार्डन्स में क्यों जाती है, क्यों जाती है, वहाँ बहुत दीनी इल्म सीखने को मिलता है, वहाँ तख्वे में इजाफा हो जाता है वो लोगों के जाते ही, मतलब ये सब के लिए जाती है। मैं हम दीनी इज्तिमा की बात करें भाई, आप बाज़ारों में नहीं रोकते हैं, थिएटर्स में नहीं रोकते हैं, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ नहीं रोकते, और आप बोल रहे यहाँ क्यों आती हैं, हम इसलिए बुलाते हैं ताकि अल्लाह की बंदियाँ भी आकर अल्लाह का दीन सीख सके। नहीं रात में कहूँ, रात में गैर शरई है ना, तो मेरा ये सवाल है रमज़ान की रातों में बाज़ारों में जाके कपड़े खरीदना, इसके कैसे शरीयत से आप साबित करेंगे बताइए। कपड़े खरीदने जा रहे हैं रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे, दुकानें खुली है, मार्केट पूरा सजा हुआ है, बहुत सी जगह तो इफ्तार का नज़्म भी है और शहर का भी नज़्म है उसी दुकानों पर, तो मेरा ये क्वेश्चन है वहाँ कहाँ से जवाज़ निकला आपके पास। वो ये काम जवाज़ है कि औरत इल्म दीन सीखने जा सकते, दिन और रात की कैद नहीं, जब उसके तहफ़ हो, हिफाजत हो, शहर के बीच में उसका महरम साथ आ रहा है, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कोई शरई इसमें चूंकि उज़र नहीं है, तो हम समझते हैं इसमें कोई मसला नहीं है, और हम औरतों को बराबर हकदार समझते दीन इल्म के मामले में, चूंकि हमारे दीन ने उनको वैसे ही हक दिया जैसे मर्दों को हक दिया अदर की, तो वो भी आके फ़ायदा उठाती हैं। 14 सवाल था, रमज़ान कॉन्फ्रेंस में औरतों में स्क्रीन क्यों लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर यही सवाल मैं करूँ कि आपके घर में टीवियाँ क्यों रखी हुई है, आप लोग कैमरों में मोबाइल के अंदर क्यों फोटो खींचते हैं अपनी बच्चों की, इनकी उनकी, शरई जवाब क्या है आपके पास इसका, तो आप कहेंगे वो टीवी इसलिए कि एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, और वो इसलिए खींच रहे कि हमको सुकून लगता, अच्छा लगता बाद में देखना। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, दीन के लिए इसका जवाब दिया गया है कि फोटोग्राफी की जा सकती है, दिखाया जा सकता है, और शरई ज़रूरतों के तहत एक औरत किसी गैर महरम मर्द को देख सकती है, इसलिए कि मर्द और औरत का पर्दा एक जैसा नहीं है, औरतों को पर्दा है, मर्दों को पर्दा नहीं है। अगर कोई बोले नहीं स्क्रीन पर किसी को नहीं देख सकते, तो मेरा ये सवाल है फिर लाइव किसी को देख सकते हैं, आप रास्ते से आ रहे हैं कितने मर्द जा रहे, तो क्या औरतें हमारी पूरी गुनाहगार हैं उन मर्दों को देखने की वजह से, मेरा ये सवाल है। बहुत स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसका कोई शरई उनके पास बुनियादें नहीं है अदर की, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, गैर महरम वहाँ जा रहे हैं, ये सबको अल्लाह ताला ने एक एक दो दो साल में जलील कर दिया। एक साहब ने एक बार कमेंट दिया था कि आप चाहे टीवी पर शाहरुख खान को देखिए या सलमान खान को देखिए, फैज साहब को देखिए, गुनाह में सब बराबर है, एक जैसे आप। बाद में पता चला कि वो साहब खुद लड़कियों को एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाते, लाइव टीचर है वो, लड़कियां बैठी और अकेले पढ़ा रहे हैं उनको। तो मैंने कहा आपके इसका जवाब कहाँ से आया, मैं तो टीवी पर जा रहा हूँ, आप लाइव पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक साहब ने ये कहा था कि गलत है, नहीं हुआ, हो सकता है, माशाल्लाह वो उस टाइम के एक मिनिस्टर के साथ जो एजुकेशन की, जो कि लेडी थी मुस्लिम, उनके साथ स्टेज शेयर किया, बिल्कुल बाजू बाजू बैठ के फोटो भी खींचा, अखबार में फोटो आई थी। तो मेरा ये सवाल था कि मैं तो ठीक है जा रहा हूँ, आपके पास क्या जवाब था उस खातून के बाजू बैठने का,
और फोटोएं खिंचाने का और वो करने का, मैं एक बुनियादी क्वेश्चन कर रहा हूँ। और वो कॉन्फ्रेंस मेनली मुस्लिम लड़कियों के लिए थी, जिसमें सारी मुस्लिम लड़कियां सामने और औरतें बैठी थी जिनको वो उलमा हज़रत खिताब कर रहे थे। मेरा बेसिक क्वेश्चन था लाइव ऑडियंस के अंदर औरतों में उनके पास क्या जवाब था जाने का। मैं तो लाइव टीवी के जरिए आ रहा था, वो मुझे देख सकती थी, मैं उनको नहीं देख सकता था। बहरहाल ये भी नज़र आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में खिदत कंपटीशन का एक सिलसिला चालू हुआ, जिसमें औरतों को भी नज़्म किया गया और बड़ी स्क्रीन लगाई गई, पहली बार खिरतें दिखाई गई। जबकि खिरत से एक जज्बा जागता है कि अपने बच्चों को हम खारी और हाफिज़ बनाएं, लेकिन हम भी तो उसी मकसद के तहत कि औरतें दीन इल्म सीखे, बच्चों को तरबियत करे किया, माशाल्लाह उन्होंने भी उसका जवाब दे दिया। तो मैं समझता हूँ अब ये बेबुनियाद बोलने वाला बेखौफ और उसको अक्ल की कमी है बेचारे को, कि आज भी वो यही बातें रट रहा है, घस रहा है। ये काम जाके जब किसी घर में टीवी चलेना तो बोलना इसका क्या जवाब है टीवी देखने का, फिर पता चलता है आपको, उसका जवाब दे देते हैं आपको जब के जब। ठीक है, तो स्क्रीन क्यों लगाया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ताकि आदमी यकसुई के साथ देख सके कि क्या हो रहा है और इल्म हासिल करे। और इसमें शरई चूँकि गुंजाइश है इसलिए किया गया, निकाली भी गुंजाइश नहीं है उसको रखा गया। इसी तरह जो है पाँचवा सवाल, बड़ा अजीब है ये सवाल का जवाब देते थे, मैं थक चुका हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ कि अगर ये हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन हो भी नहीं रहा। फैज़ भाई ने दो शादियाँ करे, अरे भाई कहाँ है दूसरी बीवी, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अब तक, अगर आप बता दे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मतलब आप लोग इतनी तमन्नाएँ कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, तो मैं भी बोलता हूँ कि अल्लाह कबूल करे, अच्छी बात है। और हो सकता है इस नीयत से भी आप कर रहे होंगे कि भाई मोमिन बंदा दूसरे मोमिन की दुआ करे तो फरिश्ते उसके लिए आमीन बोलते हैं, मे बी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन वो दूसरी बीवी है कहाँ, वो मुझे भी आज तक नहीं मिली, अगर आपको मिल जाए तो कभी मुझे बता दे कहाँ है बल्कि। ठीक है, तो बहरहाल ये सब बेबुनियाद बातें होती हैं, इसी कोई रियलिटी नहीं याद रखिए। लोग ऐसी अफवाहें, ऐसी चीज़ों या छोटी होती है कभी कुछ बातों की हकीकत, उसको स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, और उससे दूसरों को मुसीबत हो जाती है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। जैसे किसी ने कहा कि वो हमारे कुछ दर्द थे एक ज़माने में हुआ कि दूसरी शादी करे फैज़ भाई, दर्द बंद करा दो, उनकी नज़रें अच्छी नहीं, फलानी है, और यहाँ औरतों का रज बढ़ गया। क्योंकि हर बोल रहा भाई दूसरा सेक्शन खुला है, तो आप उन पास हो गए तो इसमें से पता नहीं क्या होता, समझ रहे आप? तो हमारे लिए दूसरी मुसीबत हो गई थी कि सबको बोलना पड़ा था, नहीं भाई इरादा नहीं है, नहीं भाई इरादा नहीं है, समझ रहे आप? तो ये सब बेबुनियाद बातें ऐसी नहीं होती। लेकिन मैंने एक बहुत बहुत ही एक मजबूत शख्सियत, अल्लाह रहम करे, उन्होंने बहरहाल एक दिन किसी को बोल दिया, एक खातून, एक मदरसा खुल रहा था औरतों के लिए, तो वहाँ उसके इनाग्रेशन में मुझे ही बुलाया गया था। तो बोला अरे इनको नहीं बुलाना, इनकी नज़रें बहुत बुरी है, इन्होंने दूसरी शादी की। हालांकि वो खुद एक ज़िम्मेदार थे, और वो खातून बड़ी उन पर भड़क गई कि यार आपने फेसबुक है, चूँकि वो खायल थी, मेरी स्टूडेंट थी, बहुत भड़क गई कि आपने ऐसा कैसा बोला, आप उसकी प्रूफ लाइए। और बेचारे पास कोई प्रूफ नहीं, चूँकि वो सुनी सुनी बातें थी, और उन्होंने वहाँ कह दिया, और उन्होंने उनका पीछे ही पकड़ लिया कि भाई आप प्रूफ ला के दीजिए, कहाँ हैं आपने बोला ना, वो कहाँ हैं, और दूसरी शादी करना गंदी नज़र कर रहा था, ये आपने कैसा बोला, आप तो दीन का इल्म रखते हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सबको, तो ये आप कैसा। वो बड़े फंस गए थे, तो ये अननेसेसरी इशूज़ हैं, इसमें ना पड़े। हाँ, वजाहत के लिए मैं कभी भी खड़ा होता हूँ और आपके सामने रहता हूँ, लेकिन चंद वजाहतें अच्छी वजाहतें थी, मैंने सोचा कि मुनासिब है आपके सामने रमज़ान से पहले रख दूँ, ताकि आपके जहन में सारी बातें हों। चूँकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि वो बर्मा का एक वाक़िया हुआ था, और लोगों ने इतना कुछ कहा, वो स्टेज के ऊपर लाइटें वगैरह थी, बर्मा में ये हालत हो रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि बर्मा में अगर वो हालत है तो अपने आपने अपनी शादियों में कुछ कमी लाई अब तक, और उस बर्मा के इशू का आपने उस रमज़ान के बाद आज तक याद भी किया हो, 2013 के बाद की बर्मा में आज भी क्या हो रहा है। तो ये थोड़े दिन का जोश और जज्बा रमज़ान की हद तक, या किसी को सिर्फ तकलीफ़ देने या सिर्फ भड़काने के लिए एक सिस्टम के खिलाफ उठा देना, इससे कोई नतीजे नहीं होते, तो इससे इज्तनाब करें, ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है बहरहाल। और अगर ऐसा वाकई में कोई जेन्युइन रीज़न है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजूहत होती है, हम रीजंस दे सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। या आप कहें मैंने ये दिया, मेरा ताउन यहाँ लगना चाहिए, आपका ताउन वहाँ लग जाता है, या आप कहें भाई ये चीज़ कहाँ से आई, तो हम आपको बता सकते हैं। इसमें कोई हमारे पास ऐसा वो मसला नहीं है कि ये छुपा हुआ और वो खुला हुआ है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी बात है कि वो लोग जो हमसे जुड़े हैं वो एक अच्छी सोच रखते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में कुछ तब्दीलियाँ आए, और उन तब्दीलियों के फ़ायदों की बुनियाद पर वो भी चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनके पास कोई दलील नहीं है, दलील होना याद रखे किसी चीज़ के लिए, प्रूफ होना कि इसराइल से पैसा आ रहा है, उनके पास प्रूफ होना, ये रिसिप्ट है, ये आया, ये अकाउंट था, ये बैंक था, ये था।
अगर कोई कहता है कि ज़कात का लगाते हैं तो प्रूफ बताए कि ज़कात का पैसा लगा, जबकि हम तो कभी लगाए नहीं। रमज़ान कॉन्फ्रेंस में औरतों को क्यों बुलाया जाता है, वो कहे शरई एतबार से ये हराम है, ममनू है, हम बंद कर देंगे। वो कहे कि रमज़ान कॉन्फ्रेंस में औरतों को स्क्रीन क्यों दिखाया जाता है, शरई एतबार से हराम है, हम उसको बंद कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है, इसकी कोई दलील नहीं है। दलील हो तो एक अलग बात है, और दीनी एतबार से कोई हमसे ख़ता हो तो उसकी इस्लाह के लिए हम कभी भी तैयार है, हम ओपन है। अगर मैं ज़ाती तौर से आपको ना मिलूँ तो टेलीफोन नंबर से आप सिर्फ बोल दें। सिस्टम अलहमदा ऐसा है कि कोई अगर ये कहे यूट्यूब की वीडियोज़ पर हमने नोट लिखा हुआ, अगर इस वीडियो में मुखरिर से या एडिटर से कोई गलती हुई आप हमको कॉल करें या ईमेल करें, हम इसमें तब्दील लाने के लिए तैयार हैं। फ़ोन करना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि हम जल्दी एक्शन ले सकते हैं। और सिस्टम यह है कि कोई इंसान चाहे किसी मसलक का हो, किसी मकतई फिक्र हो, अगर फ़ोन करके IRC बोलता है ये वीडियो ऑब्जेक्शनेबल है, आपको मानो हम लोग उस वीडियो को बंद कर देते हैं। फिर उसका रिव्यू होता है नेक्स्ट थर्सडे, जब तक पड़ा रहता है आया उसको बंद कर देते हैं। मतलब इतना हम कीन वो करते हैं कि वाकई में अगर शरी गलती हो तो बोलने वाला चाहे कोई मसलक को हम बंद कर देते। फिर जुमेरात को उसने क्यों बोला उसका रीज़न हम देखते हैं कि उसने कहा कि इसमें ये चेक करते हैं, अगर नहीं रहा तो रिलीज़ हो जाता है, और अगर गलती थी तो वीडियो बंद रहता है फिर। हम तो इतनी एहतियात तो हम कर रहे हैं दीनी एतबार से। अगर शरई को गलती हुई तो आपको कोई चीज़ बुरी लगी हुई अच्छी लगी उससे हमको कोई परवाह नहीं, शरई हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम तो इतना एहतियात करते हो, दीनी कोई गलती हमसे होती है हम खुले हैं उसके लिए, आप कभी भी आके इस्लाह कीजिए मेरी या सिस्टम की। मैं आपको नहीं मिलता हूँ, फ़ोन करके ऑफिस से बताइए, बात मुझ तक पहुँच जाती है या उस पर अपडेट हम कर देते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मकसद ये नहीं होता है, खामोखा सिर्फ एक हवा बनाना होता है, इसका याद रखिए कोई हकीकत नहीं है। आदमी से एहतियात करे तो वो उसके दुनिया और आखिरत के लिए इंशाल्लाह अज़ीज़ अच्छा है।